गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है पाइथन प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट एंड इनपुट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आज अपन देखेंगे, इनपुट इनपुट और आउटपुट और इनपुट्स। तो आपको जो है इनपुट लेने का हमारे पास पाइथन में है, अगर हमें कोई इनपुट लेना है या यूजर से प्रॉम्प्ट कराना है, तो प्रॉम्प्ट कराने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं। एक यूज करते हैं इनपुट मेथड्स का और रेक यूज करते हैं रॉड अंडरस्कोर इनपुट और प्रॉम्प्ट। ये दो यूज करते हैं जिसके थ्रू हम किसी यूजर से वैल्यू को इनपुट करवाते हैं। हम इससे पहले इनपुट आपको पढ़ा चुका हूं, पर इसमें एक क्वेश्चंस भी आया है पिछली क्लासेस में कि इनपुट और रॉ इनपुट में क्या अंतर है, तो इसलिए मैं इसकी अलग से एक क्लास दे रहा हूँ, दोनों में इसमें आपको हम बताएं। तो देखिए, हमारे पास इनपुट जो है इनपुट मेथड, वो इनपुट मेथड्स फर्स्ट टेक द इनपुट फॉर्म, क्या करता है, फर्स्ट टेक्स द इनपुट फॉर्म, यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है, यूजर एंड व्हेन इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, और वैल्यू को क्या करता है, इवेल्युएट करता है, एक्सप्रेशन करता है, विच मीन्स द पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज, पाइथन जो प्रोग्रामिंग है इसको आइडेंटिफाई करता है, यूजर्स एंटर द स्ट्रिंग और नंबर और लिस्ट, यानी यूजर क्या इनपुट कर रहा है, नंबर इनपुट कर रहा है या स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। कौन, इनपुट मेथड, ध्यान से समझिएगा, जो इनपुट है, जब इनपुट में हम कोई वैल्यू डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है कि यूजर ने उसमें क्या डाला है, इंटीजर डाला है कि नंबर डाला है, नंबर डाला है तो नंबर बताएगा, स्ट्रिंग डाला है तो स्ट्रिंग बताएगा। इफ द इनपुट प्रोवाइड्स नॉट करेक्ट आइदर द सिंटैक्स एरर एक्सेप्शंस रेजिंग द पाइथन फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, इनपुट के लिए एक एग्जाम्पल अपन बनाते हैं कि इनपुट कैसे यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पाइथन को यहाँ से यूज किया और उसके बाद हमने शेयर पाइथन एप्लीकेशन को यहाँ से हमने शेयर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक नया हम लेते हैं, राइट क्लिक किया, यहाँ से न्यू पाइथन फाइल, कौन सी फाइल, पाइथन फाइल। तो हमने यहाँ पे दिया प्रोग्राम इनपुट डेमो, ये हमने एक पाइथन फाइल बनाई, क्लियर। अब यहां पे हमने जैसे लिया एक वेरिएबल लिया ए और यहां पे यूज किया इनपुट, ये देखिए प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने यहां पे दे दिया जैसे एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू। दूसरा हमने लिया बी, यहां पे किया इनपुट और यहाँ पे किया एंटर द सेकंड वैल्यू, क्या कर, एंटर द सेकंड वैल्यू। उसके बाद हमने किया सी इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे किया प्रिंट सम इक्वल टू, प्रिंट किसको करा दिया हमने, सी को, किसको प्रिंट करा दिया, सी को। अब देखिए इसको रन कराएंगे हम, ये देखिए प्रोग्राम, एंटर द वैल्यू हमने जैसे डाल दी इस पे 12, ये देखिए इस तरीके से, यानी जो भी वैल्यू डाली वो हमारी किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, यानी नंबर लिया पर हमारा फॉर्मेट कौन सा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो आपको हमने बताया था अगर हमें स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट, अगर ये, अब देखिए यहीं पे, अब यहीं पे हम दूसरा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, चलिए तो यहीं पर भी इनपुट ही रहने देते, क्या रहते हैं, इनपुट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, इनपुट। अब अपन चलते हैं यहां पे, क्लियर, वैल्यू हमारे ये प्रिंट कर दिए जो भी। अब यहां पर हम यूज करते हैं रॉ अंडरस्कोर इनपुट, क्या यूज करते हैं, रॉ अंडरस्कोर इनपुट। तो raw underscore inputs older version like the python 2.x, यानी जो पुराना वर्जन उसमें यूज होता है, this function takes explicitly with types of the keyword convert in string
एंड रिटर्न किसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट इस वेरिएबल विच द वांट टू स्टोर एग्जांपल्स इस तरीके से वेरिएबल को ये स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, जैसे हमने यहां पे बनाया ए रा क्या एंटर द ये क्या बोल रहा है इसमें रिफॉर्मेट क्रिएट रा इनपुट फंक्शन पास या देखिए ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। किसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये हमने आपको पहले ही बताया रा जो इनपुट फंक्शन है ये क्या ओल्डर वर्जन है। देखिए अगर हम इसको कॉपी भी कर रहे हैं, अगर आप इसको देखिए यूज करेंगे तो ये आपका यहाँ सपोर्ट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ये मेथड अनरिसॉल्व एरर, ये देखिए आपको एक बार करते हैं अपन, इसमें मेथड आपको ये नहीं मिल रहा, ये आपका ओल्डर वर्जन क्लियर। तो इसको है इसी तरह सेम इनपुट की तरह हम इसको यूज करते हैं, पर आपके सिलेबस में ये हम आपको बता रहे हैं क्लियर। तो इन दोनों में डिफरेंसेस भी आपको क्लियर कर देता हूं मैं एक बार, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ठीक है। यहाँ पर दिखाएंगे आप डिफरेंसेस ठीक है। दोनों हमने आपको जो फंक्शंस बताए थे इनपुट और रो, ये काहे के लिए यूज होते हैं आपको डेटा को इनपुट करने के। अब देखिए इनपुट इनपुट फंक्शन यूज टू टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर्स, द फंक्शन इज कॉल्ड टेल प्रोग्राम स्टॉप डेट इनपुट वैल्यूज। द बिल्टन फंक्शन इनपुट कैसा बिल्टन फंक्शन, द फंक्शन यूज टू बोथ वर्जन 2.x एंड 3.x इन पाइथन। 3.x इनपुट फंक्शन explicitly convert input given the two type of string, किसमें convert करता है type, but 2.x input function takes the value types of input enter without modification type ठीक है क्लियर। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन इनपुट टाइप, बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैसा लेता है ये स्ट्रिंग है। ये देखिए अनुप्रिया अगर टाइप आपको चेक कराना तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन लगा कीवर्ड लगा सकते हैं, टाइप कीवर्ड लगा के इसको चेक भी करा सकते हैं। जैसे हमने आप ये एंटर द वैल्यू वैल्यू डाली पाइथन टाइप के स्ट्रिंग वैल्यू डाली हमने टाइप पाइथन क्लियर। अब यहीं पर अगर हम यूज करें कौन सा रो टाइप, क्या यूज करें अपन रो टाइप, अगर यूज करें रो इनपुट टाइप तो द रो इनपुट फंक्शन गेट यूज टू वैल्यू इनपुट, ये भी है। We call the function program stop wait user input के लिए, it is a built-in function. The input used only, देखिए साफ साफ लिखा, used only 2.x version, किसमें 2.x जो version उसमें ये यूज होता था input की जगह। ध्यान रखना ये आपका सिलेबस में से बता रहा हूँ कि 2.x जो version था उसमें input आपका यूज होता था, बाकी किसी में यूज नहीं होता। 2.x has two functions take input with user के लिए क्या input, एक हम use करते हैं raw input clear और एक input function, ये देखिए इस तरह same इसी तरह से use होता है। तो ये हमें clear हो गया होगा आपको input clear। Next अब अपन चलते हैं, तो ये आपको input के लिए मैंने clear बताया। अब जैसे इस program को अपन पूरा complete करते हैं आपको मालूम से किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा इनपुट, किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा इनपुट। तो अब ये देखिए आपका टाइप कास्टिंग कर दिया आपने, किसमें कन्वर्ट करा दिया आपने इनपुट ठीक। ये देखिए आपका अब आप इसको रन करा दीजिए, वैल्यू डालिए देखिए आपका रिजल्ट क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको करते हैं क्लियर। तो इनपुट रो और इनपुट फंक्शन में आप कन्वर्ट कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट आउटपुट, नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर्मेटिंग के लिए, ये तो हमने इनपुट और उसके लिए बता दी। नेक्स्ट हमारे पास है
पाइथन आउटपुट यूजिंग प्रिंट, द प्रिंट फंक्शन आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इन स्क्रीन, स्क्रीन पे प्रिंट कराने की। तो देखिए अगर स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कराना तो प्रिंट सिंगल कोट में हमने यहाँ पे वैसे आउटपुट में क्या आएगा ऐसे, ठीक है। अगर आपको वैल्यू प्रिंट कराए तो प्रिंट वैल्यू कॉमा लगा के आप वैल्यू प्रिंट करा सकते, ये तरीका भी आप बता सकते। अगर प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी नोटिस स्पेस एडेड बिटवीन द स्ट्रिंग वैल्यूज ए द बाय डिफॉल्ट बट कैन चेंज इट। प्रिंट कैसे करना, अगर जैसे आप चाहते हैं क्या कि कोई स्पेस वगैरह प्रिंट कराना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज प्रिंटेड, सेपरेटर प्रिंटेड, ये देखिए एंड लगा दिया, एंड के साथ अगर आपने लगा दिया इसका मतलब क्या है आपका न्यू लाइन में आएगा, किसमें आएगा न्यू लाइन में आएगा, एंड एंड डिफॉल्ट स्पेस इनटू करेक्टर किसमें स्पेस में, एंड द प्रिंट द इनटू न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए द फाइल ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिंटेड द डिफॉल्ट वैल्यूज, किसके लिए डिफॉल्ट, किसके लिए डिफॉल्ट, क्लियर। अब जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चूज ऐसे करे प्रिंट, देखिए इसको भी रन करा के आपको बता देता हूँ। जैसे आपने इस प्रोग्राम बनाया सेव एसटी, इसको मतलब समझ गए, सेपरेटर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए सेपरेटर, और ये एंड के लिए यूज करते हैं एंड अगर कुछ लगाना। तो अपन ने यहाँ पे जैसे इसको ही तो अगर अभी आपने इसको दिया, ठीक है, तो अभी ये कैसा प्रिंट करेगा, 1 2 3 ऐसे प्रिंट करेगा, फिर आपने इसमें सेप्टर लगा तो बीच बीच में क्या प्रिंट करेगा स्टार, और अगर आपने इसमें दिया स्टेप हैश बीच बीच में हैश प्रिंट करेगा, लास्ट में एंड में क्या लगा देगा एम्परसेंड। ठीक है, और जैसे आपने यहाँ पे किया प्रिंट हेलो, अगर भी हेलो, अब आप इसको देखिए रन कराएंगे हेलो उसी लाइन पे आ गया, अगर हेलो को नई लाइन पे जाना तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप देखिए हेलो आपका कहाँ जाएगा, क्लियर। तो ये एंड इसलिए यूज करते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आउटपुट फॉर्मेटिंग नेक्स्ट हमारे पास, आउटपुट इंपायर फॉर्मेटिंग, आउटपुट फॉर्मेटिंग में जैसे क्या होता है, यूज होता है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, क्या यूज होता है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। जैसे हमने यहाँ पे दिया सपोज दैट कि आप यहाँ पे जैसे दिया x इक्वल टू 5 by 5, तो प्रिंट द वैल्यू इक्वल टू x करली ब्रैकेट n बाइस करली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट, क्या लगा दिया फॉर्मेट x कॉमा y। तो देखिए आपको प्रिंट कैसे है x कॉमा y, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा x कॉमा y, तो y की वैल्यू कितनी, इसकी जगह करली ब्रैकेट लगाया तो उसकी जगह वैल्यू प्रिंट होके आ गई, y लगाया तो y जगह वैल्यू प्रिंट होके आ गई, क्लियर। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया फॉर्मेट लगा दिया। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको, ये क्लियर हो गया होगा आपका। जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 90, अब आपने यहाँ पे किया प्रिंट, क्या दिया प्रिंट, प्रिंट देने के बाद अब आपने यहाँ पे किया प्रिंट देने के बाद आपने यहाँ पे किया क्या किया द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपने क्या कर दिया द वैल्यू ए ब्रैकेट इज एंड वी वैल्यू इज, उसके बाद आपने यहाँ पर डॉट फॉर्मेट ए कॉमा बी, क्या कर दे ए कॉमा बी, अब आप इसको रन करा दीजिए।
प्रिंट कर दिए। तो यहाँ आप देखिए कर्ली ब्रैकेट की जगह पे आपने क्या प्रिंट करा है, किसका फंक्शन यूज किया आपने, फॉर्मेट फंक्शन यूज किया। कौन सा फंक्शन यूज किया आपने, फॉर्मेट फंक्शन। क्लियर। अगर आप कर्ली ब्रैकेट में कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, इंडेक्सेस इंडेक्सेस में कोई वैल्यू प्रिंट करा तो इंडेक्सेस भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, जीरो स्टैप से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनपुट बता चुका हूं आपको, नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट। क्या यूज करते हैं पर इंपोर्ट क्या यूज करते हैं इंपोर्ट मतलब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट जैसे अपन कुछ क्लासेस वगैरह इंपोर्ट करते हैं, जरूरत पड़ती है जैसे अपन ने यहाँ दीजिए इंपोर्ट की कौन सा कीवर्ड इंपोर्ट अपन ने कर लिया मैथ को। अब यहाँ पर अपन ने जैसे किया क्या है मैथ को इंपोर्ट किया। क्लियर, मैथ को हमने क्या कर लिया इंपोर्ट कर लिया। अब अपन चाहें तो इंपोर्ट अब इसे अपन यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहते प्रिंट मैथ डॉट। अब आपको देखिए यहाँ पे मैथ के बहुत सारे फंक्शन, पाई का मान चाहिए पाई, पाई। अब आप इसको प्रिंट करा लीजिए, पाई का मान ठीक। अगर आपने यहाँ पे कर दिया पावर टू की पावर फाइव तो ये आपका कौन सा मेथड है, मैथमेटिक्स। रन करा दीजिए तो इस टाइप से आप यहाँ से इसको कोई भी स्टेटमेंट को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कॉल पेरेंट क्लास। अगर किसी क्लास को आपको कौन सी क्लास को कॉल करना है, पेरेंट क्लास को कॉल करना, कौन सी क्लास को पेरेंट क्लास को कॉल करना। ओवरराइडिंग आपको बता चुका हूं, चलिए इसमें हम कल के जो था उसी को अपन यूज करते हैं। ये क्लास थी मेथड, ये ओवरलोडिंग क्लास थी डेव। अब जैसे इसमें हम दो बार कॉल कर रहे हैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हम दोनों को कॉल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आएंगे शो के अंदर, यहाँ पे हम कर देंगे पेरेंट डॉट शो। अब देखिए यहाँ पे रन कराएंगे हम, मेथड है दोनों क्लासेस इनसाइड चाइल्ड क्लास इनसाइड चाइल्ड क्लास। ठीक है, सेल्फ पेरेंट इनसाइड चाइल्ड क्लास
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां से इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यस क्लास, ठीक है, ओके। तो इस आप इसको इतना कर लीजिए, किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताएंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और तो है बच्चा। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, सुपर कीवर्ड वगैरह नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।